तो लौकी के सब्जी पकौड़े और कोफ्ते आपने बहुत बार बनाए होंगे, पर एक बार मेरे तरीके से इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। हेलो फ्रेंड एंड फैमिली, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल। तो फ्रेंड्स, जब भी हमारे घर में लौकी आता है तो हम सोचते हैं कि क्या बनाएं। कोफ्ता सब्जी तो बहुत बना चुके हैं, आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए सुपर टेस्टी हेल्दी पराठे की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है और साथ ही साथ सुपर हेल्दी है, और बच्चों को पता भी नहीं चलता है कि इसमें लौकी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक लौकी लिया है, तो यहाँ पर मैंने कच्ची लौकी लिया है। आप इसे लौकी, घी या दूधी कुछ भी बोल सकते हो। मैं जिस एरिया में रहती हूँ यहाँ पर इसे घिया बोला जाता है, और हमारे बिहार साइड में इसे लौकी और कद्दू बोलते हैं। तो आप लोग कहाँ से देख रहे हो, आप लोग के साइड इसे क्या बोलते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, लौकी को अच्छे से धोकर हमने छील लिया है। अब ये हम ग्रेटर लिए हैं, इसके मीडियम वाले ग्रेटर से हम ग्रेट करेंगे इसको। तो इसको कद्दूकस करेंगे ना फ्रेंड, तो हम बीज के जो बीज और पल्प है ना उसको हम कद्दूकस नहीं करेंगे, बस इसकी स्किन को ही करेंगे। तो इस सारे लौकी को मैंने तीन भाग में कर दिया था कि अच्छे से ग्रेट करना बने, और ग्रेट कर लेंगे। तो सारे लौकी को ग्रेट कर लेते हैं ऐसे ही। तो देखिए, जो बीज का है ना इसको हम यूज नहीं करेंगे, हटा देंगे। अब सारा लौकी हमने ग्रेट कर लिया है। अब लिया है हमने यहाँ पर 2 कप गेहूं के आटे, और उसमें डाल रही हूँ मैं 2 चम्मच बेसन। अब इसमें डालेंगे अदरक और हरी मिर्च, इसमें हम लहसुन का यूज नहीं करेंगे, अदरक और हरी मिर्च। और इसमें डाल देंगे 1 बड़े चम्मच सफ़ेद तिल, तिल से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ी सी इसमें डाल देंगे हरी धनिया कटी हुई, थोड़ी सी डाल देंगे कस्तूरी मेथी, और बेसिक सी मसाले डालेंगे जो डेली रूटीन में डालते हैं, और अपना जो कद्दूकस किए थे ना लौकी उसको डाल देंगे, और इसमें टेस्ट के अनुसार नमक डाल देंगे, और थोड़ी सी 1/4 कप हम इसमें दही डाल देंगे। अगर दही आपके पास खट्टी नहीं हो तब भी डालें, नहीं तो अगर दही खट्टी है तो ना डालें। और इसको पहले हम आटे को और सारे मसाले को और लौकी को मिक्स करेंगे, पहले हम पानी नहीं डालेंगे। अगर पानी की ज़रूरत पड़े तो हम थोड़ी थोड़ी छींटा डालकर, पानी की छींटा लगाकर ही आटा गूंदेंगे, नहीं तो हम पानी डालेंगे तो लौकी हमारी बहुत, अभी नमक और लौकी मिक्स हुआ है तो लौकी पानी बहुत छोड़ेगी। इस पर लौकी पर डिपेंड करता है लौकी कितनी पानी छोड़ती है, इसलिए हम थोड़ी थोड़े अगर पानी की ज़रूरत पड़े थोड़े से डालेंगे। अब देखिए, हमारे आटा लग गया है। अब हाथों में ले लेंगे थोड़ा सा ऑयल और आटे को अच्छे से चिकना कर लेंगे, थोड़ी सी एक बार और लगा लेंगे और आटे को अच्छे से चिकना कर लेंगे, ताकि हमारा जब इसकी फिर आटे बेले ना तो बेलना बने। तो यहाँ पर देखिए आटा हमने लगा लिया है, और हाथ को साफ कर लेंगे, और आटे को हमें रेस्ट पर नहीं छोड़ना है फ्रेंड। यहाँ पर रेस्ट पर छोड़ेंगे तो आटा हमारा पूरा पानी पानी सा हो जाएगा, इसलिए इसे हम तुरंत फटाफट बना लेंगे। 5 मिनट में हम नाश्ता ये तैयार कर सकते हैं। अगर हम रात के सारे लौकी को घिस के रख देते हैं ना तब भी हो जाता है, या सुबह हम फटाफट से इसे तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमने पराठे को बेल लिया है गोलाकार में, तो ऐसे अभी किनारे किनारे फट रही है ना, तो आप चाहो तो ऐसे भी इसको डाल सकते हो, पर इसे थोड़ा देखने में सुंदर लगे। तो हमने इसे किसी भी बर्तन से काट ले, इसे बड़े से टिफिन से। तो देखिए, सारे साइड के हमने निकाल दिया, तो ये अब कितना सुंदर दिखने लगा। अब इसको हम सेक लेंगे और पतले पतले बेलेंगे, इससे बहुत ही सॉफ्ट बनता है पराठा हमारा। तो यहाँ पर हमने तवा गर्म करने के लिए रख दिया था। अब इसको अच्छे से हम दोनों साइडों से सेक लेंगे। तो यहाँ पर गैस के फ्लेम मीडियम रखेंगे, ज़्यादा तेज गैस ना रखें, नहीं तो ऊपर से कलर आ जाएगा ब्राउन ब्राउन सा। और तेल या घी या बटर कुछ भी लगाकर सेक सकते हैं, तो मैं यहाँ घी लगा के सेक रही हूँ, और अच्छे से दोनों साइड से सेक लेंगे। तो ऐसे ही करके हम सारे पराठे को सेक लेंगे। तो आप देख सकते हैं
कैसे पराठे हमारे सेक गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सारे पराठे को हम ऐसे ही सेक लिए हैं और एक बार मैं दिखाती हूँ आपको कितने सॉफ्ट बने हैं पराठे हमारे। वैसे तो हम भर के बनाते हैं तो वो फटते हैं, पर ऐसे बनाते हैं ना तो इजीली बन जाता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। अब हमारा पराठा जो है तैयार हो चुका है, अब हम इसे सर्व करेंगे अचार या दही के साथ, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। बच्चों को तो ऐसे ही रोल करके टिफिन में यूं ही दे दे। फ्रेंड्स इसमें किसी चटनी या सॉस की ज़रूरत नहीं लगती है, आप ऐसे भी खा सकते हो। और ये जो अचार के साथ है ना, जो कुच्चे अचार के साथ ना, इसका टेस्ट और ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स ज़रूरी नहीं कि हम हर रोज़ लौकी की सब्ज़ी ही बनाएं, कुछ अलग भी बनाएं और कुछ हेल्दी भी बनाएं, ऐसे बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। और आज की रेसिपी आपको कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये जो अचार की है रेसिपी है ना, कूचा अचार की, हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है अपने चैनल पे, तो एक बार इसे ज़रूर देखिएगा। आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आए, रेसिपी पसंद आए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑल पे प्लेस करें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और फेसबुक इंस्टा पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए।